फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना यादव्स किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग चीज फ्राइड पटेटोज, इसको टोरेंडो पटेटोज भी कहते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। चलिए तो हम स्प्रिंग फ्राइड पटेटोज बनाने स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए तो मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 बड़े आलू, इनको अच्छे से मैंने धो लिया है। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का लिया है मैंने। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है मैदा का। लहसुन बारीक कूट लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून। और मैंने यहाँ पर लिया 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 छोटा टीस्पून मैंने लिया है सीजनिंग का, और 1 छोटा टीस्पून मैंने लिया है नमक का। और हमने मैंने ये लिया है, ये पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हम स्टिक्स जो यूज़ में लेते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है इसका। इसके अंदर हमने हमारे आलू को लगाना है, बिल्कुल सेंटर में आलू हमारा लगना चाहिए। और अब ये देख सकते हैं, सेंटर में हमारा आलू लगेगा। और हम इस आलू को यहां से यूं काटेंगे। हमने हमारा नाइफ सीधा ही रखना है और हमने हमारे आलू को गोल घुमाना है। आलू में इससे कट लगते जाएंगे और इसमें स्प्रिंग्स बनते जाएंगे। मार्केट में वैसे इसके कटर भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास में कटर ना हो तो हम इसको नाइफ से भी बना सकते हैं। नाइफ चेंज कर लिया है, वो नाइफ थोड़ा तीखा नहीं था। इस तरीके से हम हमारे सारे आलूओं को काट लेंगे। मैं सिर्फ आलू घुमा रही हूँ, नाइफ को टाइट पकड़ करके हमने रखना है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी इसको काटने में। 1-2 बार इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा। और हमने इसको इस तरीके से फैला लेना है हल्के हल्के हाथ से, ताकि ये टूटे ना। मेरा ये हल्का सा टूट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे आलू कट चुका है। इसी तरीके से हमने हमारे बाकी के भी आलू काट लेने हैं। आप देख सकते हैं हमारे आलू हमने सारे काट करके इसी तरीके से कट लगा करके और तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे से कट लग चुके हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। अभी हम बैटर तैयार करेंगे। हमारा मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टेबलस्पून, मैदा 2 टेबलस्पून, नमक, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, अदरक का सॉरी लहसुन का पेस्ट, और हमारी सीजनिंग। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारा अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद में हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके हमारा बैटर तैयार करेंगे। एकदम से हमने इसमें पानी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं
हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमने, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अभी हमने करना क्या है, हमारा जो हमने पटेटो दिए थे हमारे आलू को के ऊपर इसको लगाना है अच्छे से, इस पर को मैरिनेट करना है इसके अंदर, पर हमने इसको लगा करके छोड़ना नहीं है। हम इसको लगा करके और फ्राई करेंगे, इसके अंदर इसका सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा इस तरीके से। हम सारे बैटर को हमारे सारे आलूओं में करेंगे और इसको फिर हम डीप फ्राई करेंगे। अभी हम इसको फ्राई होने के लिए डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम हमारे आलू को इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान से डालना है हमने, हम हमारे सारे आलूओं को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने उतने ही आलू डालने हैं जितना कि हमारी कढ़ाई के अंदर आ सके, ज़्यादा हमने नहीं करना है। मेरी कढ़ाई में दो ही आलू आए हैं तो मैं यही करूँगी। आप देख सकते हैं हमारा आलू पोटैटो बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का सीख चुका है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी ये मैं आपको साथ के साथ में बताती जाऊँगी। हम इसको निकाल लेंगे, हमारा ये वाला पोटैटो भी हो गया है। मैं इसको बीच में ही निकाल लूँगी और इसको हम एक बार और डीप फ्राई करेंगे थोड़ी देर बाद में, उससे ये क्रिस्पी और ज़्यादा हो जाते हैं। और बाकी के हम सारे हमारे पोटैटोज जो हैं इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मैंने इनको सेकेंड टाइम वापस से डाल दिया डीप फ्राई करने के लिए, इससे ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल लगेंगे। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इनों को निकाल लूँगी। इनका सारा ऑयल हम पहले ऐसे निकाल लेंगे, फिर इसको पेपर नैपकिन के ऊपर रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारे स्प्रिंग पोटैटोस, फ्राइड पोटैटोस कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर इसके ऊपर गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पर मेयोनीज और स्प्रेड चीज़ ली है मैंने। इन दोनों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, ये मेरा होममेड मोज़रेला चीज़ है। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे को बताइएगा, मैं इसका वीडियो ज़रूर डालूँगी। और चाट मसाला लिया है थोड़ा, टमाटो केचप। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे इनको। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे हमारे मेयोनीज और चीज़ का बैटर। अच्छे से आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, खाने में बहुत मजा आएगा। हम इसमें अभी डालेंगे सॉस। चाट मसाला, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरी बेटी को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और हम इसमें डालेंगे ऊपर से हमारा मोज़रेला चीज़। और अब हमारा फ्राइड स्प्रिल पोटैटो रेडी है बन करके बिल्कुल। आप इसको गरम गरम खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा।
और अगर आपको पसंद आए तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में आप जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।